How are you? I hope that you all have been taking care about your studies as well as your health. Today in this video we are going to explain the very interesting poem of Robert Frost, Fire and Ice, for class 10th, and the poem is mind-blowing and very interesting. So hum ise word by word explain karte hain. Some say the world will end in fire. Is poem mein do different theories ke bare mein hain. Aajkal ke scientists, observers, analysts aur great men aisa एक एक्सपेक्टेशन उनके अंदर है, या ऐसा वो एक कैलकुलेट कर रहे हैं कि दुनिया अब डिस्ट्रक्शन के वर्ज पर है. द वर्ल्ड इज एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल कगार पे खड़ी हुई है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग बदलने को तैयार नहीं है अपने लाइफ स्टाइल, और इस वजह से दुनिया को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर इस वर्ल्ड का, इस प्लेनेट का नहीं दिख रहा है. तो दो थ्योरी हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया आग पर ख़त्म होगी. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हर साल एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए दुनिया आग पर ख़त्म होगी या फायर से इसका अंत होगा. सम से इन आइस, किसी किसी को लगता है हिमयोग आएगा और सब कुछ जम जाएगा. तो ये दो डिफरेंट थ्योरीज हैं इस पर पोएट यहाँ पर बात करना चाह रहा है. From what I have tasted of desire, लेकिन poet क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अब तक टेस्ट किया है desire, इच्छा, आदमी अंधाधुंध development के नाम पर, modernization के नाम पर, change के नाम पर अपनी दिल की हसरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आरजुओं को पूरा करने के लिए दुनिया की तस्वीर बदलना चाहता है. ये human nature है. अगर आप उसे रेगिस्तान में ले जाएंगे तो वो जंगल लगाने की कोशिश करेगा, और आप जंगल में भेज देंगे तो मैदान बना देगा, और मैदान भेज देंगे तो वहाँ पर पेड़ लगा देगा. तो उसे चेंज करना है. लेकिन शुरुआत में जब ये क्रिएटिविटी के नाम पर हो रहा था, दुनिया को खूबसूरत बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो दुनिया धीरे धीरे उसका जवाब मांग रही है. प्रकृति अपना इंसाफ मांग रही है कि आखिर कब तक हम पर जुल्म होगा. तो जो पोइट ने अब तक देखा है, जो टेस्ट किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर फायर के बारे में बातें करते हैं, वार्म्थ के बारे में बातें करते हैं. तो यहाँ पर फायर एक सिंबल है, यह है हिंसा के बारे में, ब्रुटिलिटी के बारे में, या वायलेंस के बारे में, कि लोगों को लगता है कि हिंसा से दुनिया ख़त्म होगी, या तलवार से दुनिया ख़त्म होगी, या फिर यू नो जो तरह तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं इसको दुनिया अंत करेगी. पोइट का मानना थोड़ा सा अलहदा है या डिफरेंट है. बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हीट to save for destruction, ice is also great and would suffice. Poet कह रहा है कि लेकिन काश अगर मुझे यहाँ पर इसके बारे में सोचना पड़े, दो अलग अलग मैं रास्ते चुनूँ मरने के, कि दुनिया में अंत आग से होगा या पानी से होगा, फायर से होगा या आइस से होगा, वायलेंस से होगा या साइलेंस से होगा. पोइट सेकेंड को भी बराबर इक्वली मान रहा है डिस्ट्रक्टिव, कि हेट में भी उतनी ही ताकत है, नफरत में भी उतनी ही ताकत है जितनी हिंसा में है, क्रूरता में भी उतनी ही ताकत है, और उसी के साथ उतनी ही ताकत किसी से जेलसी में है, ईर्ष्या में है, और नफरत में है, घृणा में है. और ये घृणा कई बार ऊपर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो हिंसा है वो चेहरे पे बयां होती है जनाब, लेकिन घृणा हमारे दिलों में होती है. It is always in the corner, I must say the hidden corner of heart, and we cannot estimate it, we cannot observe it, we cannot, you know, guess about it. Okay, so to say for destruction eyes, तो ये जो बर्फ है जज्बातों की अंदरूनी, वो इच्छाएं, ख्वाहिशें, जिसमें ईर्ष्या है, घृणा है, किसी के लिए नेगेटिविटी है, ये उतनी ही खतरनाक है, डिस्ट्रक्शन कर सकती है, विध्वंसक है. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये उतनी ही सफिशियंट है, पर्याप्त है, जितनी हिंसा खतरनाक है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक या कम तो नहीं है किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, या किसी से मन में नफरत पाल लेना. सो द वर्ल्ड कुड बी डिस्ट्रक्टिव विद बोथ वेज. दुनिया वायलेंस से भी ख़त्म की जा सकती है और साइलेंस से भी. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट. लाइक करें अच्छा लगे, और शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, माई डियर वंस, एंड आई लव यू ऑल.